इलेक्ट्रिक वायर कटर है, रेसेट वाला, ऐसे आप करते जाएंगे वायर कटते जाएगा। ये मेड इन जापान है, ये टॉमी है, बॉक्स स्पैनर का टॉमी है, ये रेचेट आ जाएगा आपको। ये देख लीजिए, ये है अपने कोई पार्सल पैक करते हैं वो स्टील की पट्टी नहीं लगाते, स्टील की और प्लास्टिक की पट्टी, ये उसको लगाने के लिए, टाइट करने के लिए और लॉक करने के लिए दोनों। कितने से लेकर कितने का पाना मिल जाएगा आपके? 8 से लेके आपको 100 तक, 150 नंबर तक जो चाहिए सब मिल जाएगा, छोटा बड़ा पतला जैसा चाहिए सब ड्रिल पाना आपको मिल जाएगा। ये वर्नियर, ये मेड इन चाइना है। अच्छा, ये नया है मार्केट का यहाँ का, ये देख लीजिए वाइस है। ये रिजिट मेड इन USA, ये चैन स्पेनर है, पाइप खोलने के लिए मेड इन जापान आएगा, USA आएगा। ये सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट है, ये लॉक इसमें लगा दिए। हाँ जी, ऊपर हाइट पे अपने काम कर रहे हैं। हाँ। इसको अपने सेफ्टी बेल्ट में लगा लेंगे। अच्छा, इमारत, ठीक है, इमारत में किसी भी हाइट में अगर अपने वहाँ से लग बाई चांस गिरते हैं। हाँ जी, तो ये लॉक कर देगा, लॉक कर देगा। साइज क्या रहेगी ये सब? 8 से लेके 32 तक, इसमें एक टॉमी आ जाएगा, रेचेट सादा टॉमी आ जाएगा, एक्सटेंशन आ जाएगा, लॉन्ग पाना दो आ जाएगा, क्रॉस एक आ जाएगा। और इसका रेट? और ये छोटा वाला जैक? ये जैक 2 टन का है, मेड इन जापान, मेड इन जापान। इसका प्राइस कैसे देखिए? अच्छा, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कपिल लॉक चैनल में। तो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ फिर से अलग मार्केट का वीडियो लेकर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ जहाज के ओरिजिनल के टूल मार्केट में। हाँ दोस्तों, मेरे पीछे देख सकते हो ओरिजिनल जहाज का टूल का शॉप है। ज्यादा जानकारी लेते हैं प्लॉट के ओनर से। तो दोस्तों, ये है प्लॉट के ओनर, नाम है सर संतोष भाई गुप्ता। संतोष भाई गुप्ता, तो आपके प्लॉट पर, प्लॉट में से कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है? हमारे पास इंडस्ट्री टूल सब मिल जाएगा। ओके, और जहाज के रहेगी? और टोटल जहाज का रहेगा। थोड़ा दिखा दीजिए ना हमारे साथ। आइए सर, देख लीजिए, ये नया है, ये 350 रुपये, 350 रुपये जी। और कहाँ यूज होता है ये? कोई भी नट बोल्ट खोलने, नट बोल्ट खोलने जी। ये 22 तक आएगा, 8 से लेके 22 तक, 8 से 22 जी सर। ये वाला, ये आएगा 8 से लेके 32 तक। ओके, और ये आएगा आपको 1400 रुपये, 1400 रुपये जी। और जहाँ ये आएगा 1800 रुपये का, हाँ, ये आएगा 1000 रुपये का, ये भी चाइना है। ये आपको 1000 रुपीज में मिल जाएगा। और साइज क्या रहेगी ये सब? 8 से लेके 32 तक, इसमें एक टॉमी आ जाएगा, रेचेट सादा टॉमी आ जाएगा, एक्सटेंशन आ जाएगा, लॉन्ग पाना दो आ जाएगा, क्रॉस एक आ जाएगा। और इसका रेट कैसे रहेगा? 1000 रुपये, 1000 रुपीज में आपको यहाँ पे मिल जाएगा जी सर। और सर, हमारे सब्सक्राइबर के ज्यादातर कमेंट रहता है कि ऑल इंडिया डिलीवरी कर दोगे जी सर? पैन इंडिया डिलीवरी, पैन इंडिया डिलीवरी आपको मिल जाएगा। और ये है, ये है मेड इन USA कनाडा का। ओके, ये ओरिजिनल जहाज, ये ओरिजिनल जहाज का माल। तो आपको क्लियर बता रहे हैं, ओरिजिनल जहाज का ही रहेगा ये। इसका देखेंगे, यस, कौन से कंपनी का, इंगरसोल रेंड का आएगा ये, IR का मशीन वाला पाना है ये। 9000 रुपये का है, 9000 रुपये जी सर। और कैसे साइज रहेगा? साइज इसमें 8 से 32 इसमें भी आएगा, बट इसमें इस छोटा पाना से लेके लॉन्ग पाना वो भी पूरा 8 से 32 तक रहेगा, इंचेस में भी आएगा, एमएम में भी आएगा, इसमें 4 टाइप का पाना आएगा। और ये छोटा वाला जैक? ये जैक 2 टन का है, मेड इन जापान, मेड इन जापान। इसका प्राइस कैसे रहेगा? ये 900 रुपये का, 900 रुपये का। ओके, ये वॉइस आप देख लीजिए, ये मेड इन इंग्लैंड है, मेड इन इंग्लैंड इधर लिखा भी है, रिकॉर्ड कंपनी का है, मेड इन इंग्लैंड। ये 2000 रुपये का है। ये देख लीजिए, ये जर्मनी का है वॉइस, है जर्मनी का है, लोहे का है। आप घन मार के आप इस पे चेक कर लो, टूट जाए तो मोयरा, नहीं टूटे तो आपका, आपका जी सर। और ये इसके पीछे वाला मशीन है? ये ग्राइंडर मशीन है, ग्राइंडर मशीन है, ये ग्राइंडर कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में, 3 फेस है, दैनिची जापान की है मशीन ये। ओके, ग्राइंडर मशीन। ये आप देख लीजिए, कूलर है, इनर कूलर, अंदर कोई भी बैरिंग फंसा हो वो निकालने के काम में आता है, बाहर का बैरिंग नहीं, अंदर का बैरिंग निकालने का। ओके, ये भी मेड इन जापान है, देखिए JAPA जापान रहेगा, मेड इन जापान आएगा, सुपर कंपनी का आएगा, इधर से दिखेगा सुपर मेड इन जापान। ओके, तो दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे जहाज के टूल्स अवेलेबल है, देखिए ये भी ब्रांड न्यू ही है, देखिए। अच्छा, यूज ही नहीं हुआ है, यूज ही नहीं हुआ है। ओके, 20 टन के, 2 टन का है। ओके, आपको ये देखिए स्क्रू पाना, स्क्रू पाना जी, स्वीडन का है, मेड इन स्वीडन, मेड इन स्वीडन का है। ये हथौड़ी है, इससे आप खिल्ली काटी वगैरह कुछ भी निकाल सकते हो, ये भी जहाज का है। ओके,
ठीक है। ये देख लीजिए मेड इन रशियन है, मेड इन रशियन है जी, रशिया का है ये। ओके, ये आप कुछ लकड़ी वगैरह भी काट सकते हो और कुछ चॉपिंग करना है चॉपिंग भी कर सकते हो इससे। और धार भी है, एकदम धार एकदम जांच का ही है, सब लिखा भी है मेड इन सब कुछ। ओके, और ये क्या है? ये हैमर पाना है सर, हैमर पाना। इससे कोई भी पाने में आप लगा के घन से पाना खोल सकते हो, घन मारोगे पाने को कुछ नहीं होगा, उससे काम होगा। ये भी मेड इन यूएसए आएगा, मेड इन यूएसए जी सर। और ये एक है अपने जो ड्रिल करते है ना, इस कटर से आप लोहे में, प्लास्टिक में, फाइबर में, मेटल में, किसी भी चीज में आप कटिंग कर सकते हो। ड्रिल में खाली आपको लगा देना है, ड्रिल में लगा के आपको कटिंग करना है। ओके, अलग अलग साइज के, अलग अलग साइज, अलग अलग डिटेल, ये पूरा डिटेल दिया है कितने mm, 4.5 इंच तक कटिंग होगा। 4.5 इंच जी। और इसका प्राइस कैसे रहेगा? ये 5500 रुपये का आएगा। अच्छा, ये 5500 रुपये का आएगा पूरा बॉक्स। ये 700 रुपये का आएगा, 700 जी। ये 200 रुपये का आएगा। ओके, ये 450 रुपये के जी है। इसमें जो साइज चाहिए सब साइज अवेलेबल मिलेगा। और ये हैमर कैसे रहेगा? हैमर 150 रुपये के जी है, 150 रुपये के जी। और अंदाजे कितना रहेगा ये? इसमें तो आपको 150 रुपये के जी में ऐसा है सर, आप 500 ग्राम से लेके 10 किलो तक ले जाओगे तो भी 150 रुपये के जी के जी के हिसाब से। ये कहाँ यूज होता है? ये पाइप पकड़ने के काम में आता है। रिजिड कंपनी का है, यूएसए का है, एल्युमिनियम का पाना है ये। ये हाइट पे काम करने के लिए, हाइट पे, क्योंकि वजन में हल्का होता है, ऊपर ले जाके अगर काम करना है तो उसके लिए ये रिलायबिलिटी बढ़िया है। हल्के में रहेगा, पूरा एलॉय आता है। ओके, मजबूती लोहे से ज्यादा आएगा, सही बात है। ये भी वही काम है, रिजिड का है, ये भी हाइट पे ही काम करने का, पाइप पाना है ये सब। ये वाला बड़ा वाला मशीन, ये ड्रिल मशीन है, होल गिराना हो आपको कोई भी, किसी भी चीज में होल करना हो तो इससे होल हो जाएगा। ये 8 से 32 तक का आप इसमें होल कर सकते हो सर। ओके, ये 8 से 32 तक का होल वर्किंग कंडीशन। और इसका प्राइस कैसे रहेगा? ये 25,000 रुपये का, 25,000 का पूरा मशीन। ओके, ये बेको स्वीडन का पाना होता है, स्वीडन का पाना। इसमें अगर आपको कुछ भी पकड़ना हो तो ये नहीं पकड़ना पड़ेगा, खाली इसको आप दबाओगे लॉक हो जाएगा। अच्छा, दबाना बस, हल्का सा दबाओ लॉक हो जाएगा। इसमें आप 3.5 इंची तक का पाइप पकड़ सकते हो, 3.5 इंची का जी सर, 3.5 से ऊपर आप पकड़ लोगे इसमें। देख लो ये इतना गैपिंग है इसका। अच्छा, स्वीडन का आएगा, स्वीडन का जी सर। इससे भी आप कोई भी पाइप पाना आराम से पकड़ के काम कर सकते हो सर। ओके।